अभी मैं नाइट में शूट कर रही हूँ तो भी बैकग्राउंड नॉइज़ है। एनीवेज, हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ। तो मैं आप लोगों के साथ में आज रिव्यू करने जा रही हूँ आजियो हॉल, जो कि विंटर वेयर कलेक्शन है। सो मैंने वहाँ मैंने आजियो से दो स्वेटर्स लिए हैं। दिस इज द फर्स्ट वन जो मैंने पहन रखा है, और एक और अनदर वन इज़ यू कैन सी इन द वीडियो। और बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू की, एंड वीडियो के एंड में यू विल सी की हाउ इट लुक्स ऑन मी। एंड यस, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो वहाँ से। सो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करें। तो ये वाला जो स्वेटर है मैं ऑलरेडी वीडियो में पहनी हुई हूँ। तो ये एक्चुअली मैं स्टाइल इसका ऐसे ये वन शोल्डर पहनने के लिए, और ये भी बहुत लूज़ है, इसका भी मैंने आपको बताया ही है। तो मैंने जानबूझ के लूज़ भी लिया था, और आप चाहो तो इसको यू नो ऐसे नॉर्मल भी पहन सकते हो, देन ये बोट नेक जैसा रहेगा। बट क्योंकि ये वन शोल्डर है तो थोड़ा सा फॉल करता रहता है, गिरता रहता है, तो उसके वजह से चाहो तो नॉर्मल ऐसे पहन लो, या फिर चाहो तो इसको वन शोल्डर पहन लो। मटेरियल इज़ सीरियसली वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, और कलर तो इट्स लाइक डाइंग फॉर। जो इसका लुक है वो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि अगर ये स्मॉल साइज़ में होता तो कैसा दिखता, बट यस, इस साइज़ में भी ये अच्छा दिख रहा है ना। आई रियली लव दिस वन। सो एंड दिस इज़ वेरी वॉर्म, वेरी वॉर्म। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सो आई रियली लाइक द स्वेटर, एंड सेकेंड वन मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है। दिस इज़ द सेकेंड स्वेटर, एंड दिस इज़ इन पिंक कलर, और इसका जो नेक है वो राउंड है, और मटीरियल वेरी सॉफ्ट, मतलब इसका वुल बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही वार्म करता है, और ये भी लूज है। और पीछे से भी इसका कुछ ऐसा दिखता है, और ये भी काफ़ी लूज़ है, मतलब देख ही सकते हो। और ये मैंने लिया है एल साइज़ में, और मुझे मतलब पसंद है स्वेटर्स थोड़े लूज़ रख लेना, तो मैंने इसको भी एल साइज़ में लिया था, और बहुत प्यारा है। और मतलब ये पिंक एंड रेड तो ऐसे कलर्स हैं जो होने ही चाहिए लड़कियों के पास में, बाय डिफ़ॉल्ट होने चाहिए, अगर मतलब उन एज़ पर देयर चॉइस। बट मुझे बहुत पसंद है कि ये मतलब पिंक कलर, मेरे पास ये कलर था भी नहीं, और पता नहीं कैमरा में कैसा लग रहा होगा कलर, लेकिन ये एक्चुअली बहुत प्यारा कलर है, मतलब बहुत ही सुंदर कलर है ये। और ये वाला कलर ऐसा मतलब बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश ऐसा लगता है कि मतलब कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे लगोगे ये कलर्स पहन करके। तो दिस इज़ द सेकेंड वन, एंड आई लव दिस आजियो स्वेटर्स। और एक बात है कि आजियो में भी क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़ों की, मैंने आजियो से भी मतलब बहुत शॉपिंग करी है। तो पहले तो ज़्यादा मिंत्रा से ही करती थी, बट अब आजियो से भी बहुत सारी करी है, तो देख रही हूँ कि मैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़ों की। लेंथ मैं दिखा देती हूँ, ऑफकोर्स लेंथ कुछ इतना है। ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये ऐसा है कि मतलब मैं मस्त इसको पहन करके ऐसे मतलब बहुत कॉम्फी है, बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं लगता कि जकड़ा हुआ सा है, ऐसा नहीं है, लूज़ है। इसके अंदर तीन चार कपड़े और पहनो एंड देन स्वेटर पहनो तो भी आप फिट हो जाओगे स्वेटर में, बहुत सही है ये। आपको ये पसंद आया तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, डोंट फर्गेट टू चेक इफ़ यू रियली लाइक दिस स्वेटर। तो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं इंसर्ट कर दूंगी, जो मैंने डे लाइट में पिक्चर्स लिए थे इस स्वेटर में, और जो मैंने रूम के अंदर लिए हैं पिक्चर्स वो भी मैं इंसर्ट कर दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हो, तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसका एक्चुअली मैं बाहर नॉर्मली बाहर में ये इसका क्या कलर है, एक्चुअल कलर क्या है। मेरे दोनों ही स्वेटर्स के पिक्चर्स हैं, ये पिंक स्वेटर का पिक्चर है जो मैंने डे लाइट में लिया हुआ है, तो आप एक्चुअल कलर देख सकते हो दिन में कैसा लगता है, एंड देन नॉर्मल घर के लाइटिंग में ये कैसा लग रहा है देखने में। तो काफ़ी प्यारा पिंक कलर है ये, और गर्ल्स के लिए तो बेस्ट कलर है, मैं यही बोल सकती हूँ। तो दीज टू कलर्स आर लाइक मस्ट हैव फॉर गर्ल्स,
शायद ही कोई लड़की होगी जिसका रेड एंड पिंक कलर लाइक फेवरेट ना हो. सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू एंजॉय दिस एज वेल. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक. एंड यस, प्रेस द बेल आइकन.